आजकल 84 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर भाप पार्टी के सांसद राजकुमार रो अपनी फेसबुक पर दक्षिणी राजस्थान के अंदर बीजेपी मनुवाद, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास भगाने की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये जो ईसाईकरण और इस्लामीकरण हो रहा है, उसके बारे में तुम्हारा क्या सोच है? उसके बारे में आपने क्या किया है? जिस तरह से यहां जो हमने जो काम सनातन संस्कृति के लिए, ये जितने भी ईसाईकरण हुआ था, इनका हजारों लोगों को वापस किया है, लेकिन आप अपने पद पे रहते हुए इस्लामीकरण और ईसाईकरण जो हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? इसके बारे में क्या करो? यहाँ भी यहाँ की सनातन संस्कृति के बारे में क्या सोच रहे हो? ये जो आप काम कर रहे हो, उसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है, न कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगा करके और निराधार आरोप लगा करके जो बातचीत कर रहे हो, कहां तक उचित है? दूसरी बात, दक्षिणी राजस्थान में और विशेषकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जो ईसाईकरण इस्लामीकरण हो रहा है, उसके लिए आपका क्या प्रयास हो रहा है, हमें तो वो बताएं, ताकि पता लगे कि आप कुछ काम कर रहे हो। जो स्थिति आज पनप रही है और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ रहा है, और इतना बिगड़ रहा है, कई मुकदमे हो रहे हैं, कई परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वर्ग संघर्ष करने की जैसी स्थिति भी आ सकती है, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? ये चिंतन करने के लिए, आदिवासी समाज टूट रहा है, बाप बेटे का नहीं बन रहा है, आपस में इनका झगड़ा होता है, और बेटा जो है वो बाप को मजबूर कर रहा है सनातन संस्कृति को छोड़ने के लिए, और जो मैं कहूंगा वही करो, ईसाईकरण इस्लामीकरण, ये जो आपकी जो विचारधारा और आपका जो रास्ता है, ये कहां तक उचित है, इसके बारे में सोचो, तो यह आदिवासी समाज बटने से भी रोकेगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बनेगा, और ये जो काम कर रहे हो उसके बारे में चिंतन करो, बल्कि दूसरे के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हो वो कहां तक उचित है।